एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इसके पहले पेज पे चिटचैट में ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको सोच कर देने हैं। इसके पश्चात कुछ पिक्चर्स राउंड में दिखाई गई हैं और आपको उन पिक्चर्स पे ए बी सी डी और 1 2 3 4 में मैच द पेयर करना है। ये सेल्फ डूइंग एक्टिविटी है। इसके बाद हम मेन टेक्स्ट पे आते हैं। इसकी समरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एक समरी आप अच्छे से सुन लीजिए, इसके बाद में आप लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। लेखक जो हैं वो जब छोटे थे तब की घटना उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लगी उनको घटना, जो अभी तक उनको याद है, उस घटना का यहाँ पे विवरण किया गया है। लेखक के पिताजी जो थे वो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे और इस पहले पैराग्राफ में जो है वो जहाँ पर रहते थे कैसे उसके आसपास में हरियाली थी और विविध प्रकार के पक्षी और जानवर जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गए थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। घटना जो है वो एक शनिवार दोपहर की है जिसने एक नया ही पहलू अनकवर किया लेखक के बाल बुद्धि के सामने। तो एक दोपहर को एक खाना खाने के बाद में अच्छे से लेखक के परिवार वाले सोने लगे, सो भी गए, और तभी लेखक जो है उसको किताबें पढ़ने का शौक था तो एक किताब में पूरी तरह से मग्न हो गए। तभी जो है उनको दूर से आवाज़ें आने लगी। पहले तो लेखक ने उन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ें बहुत ज़ोर से बढ़ने लगी तो उत्सुकता लेखक की बढ़ी और वे बाहर गए। तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा लंगूर जो है, शायद वो ग्रुप का लीडर हो, वह बहुत ही निर्दयता के साथ एक छोटे से बेबी लंगूर को काटे जा रहा है, नोचे जा रहा है, और उसका डेफिनेट इंटेंट है उसको मारने का। बाकी के जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो बेचारे स्कैटर्ड हैं, उस छत पे इधर उधर बैठे हैं, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। तभी उनको लेखक को जो है वो याद आता है एनिमल क्लैन का एक विचित्र रूल, जहाँ पे डोमिनेंट मेल जो है सभी पैदा होने वाले मेल बच्चों को जो है वो सर्वाइव नहीं करने देते, उनको मार देते हैं। लेखक ने जब ये देखा तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छी छड़ी ली और कुछ एक पत्थर जो है वो उसकी तरफ फेंके लंगूर की तरफ, लेकिन जो मेल लंगूर था वो इतना गुस्से में था कि उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन लेखक ने पीछा नहीं छोड़ा, उसको वो मारने लगा पत्थर, और कुत्ते जो है वो भी जोर जोर से भौंकने लगे। तो यह सब देखकर मेल लंगूर जो था उसने बच्चे को वहीं पे गिरा दिया और खुद भाग गया। वो लुढ़कता हुआ छोटा बच्चा जो है वो नीचे गिर रहा था, तो लेखक ने उसको पूंछ से पकड़ लिया और एक हाथ से वो कुत्तों को भगाने लगा जो कि वो उसी तरफ आ रहे थे, शायद उनको कुछ अच्छा खाना मिल जाए, लेकिन लेखक ने उनको भगा दिया। लगभग मर ही चुका था छोटा बच्चा, तो वह उसके इलाज में लग गया। उसकी धड़कनें बहुत धीमी हो गई थी, उसको रिवाइव करने की कोशिश करने लगा लेखक, जिंदा था जो कि बच्चा। इतनी आवाज़ों के बाद में लेखक के परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। लेखक के पिताजी ने फर्स्ट एड बॉक्स ला के दिया, बच्चे से के जख्मों से खून निकल रहा था, उसको उन्होंने साफ़ किया, थोड़ा सा पानी के स्प्लैशेस मारे। बच्चा जो है वो डरते डरते उठा, जैसे कि एक इंसान का बच्चा होता है वैसे ही वो लंगूर का बच्चा जो है बहुत ही ट्रॉमा में था। लेखक ने उसको केला भी दिया जो कि उसने कांपते हुए हाथों से लिया भी। इतने में लेखक को लगा कि कोई तो भी उसे पीछे देख रहा है। लेखक जो है वो जब पीछे देखता है तो वो उस छोटे से बच्चे की माँ रहती है। लेखक थोड़ा सा साइड हो जाता है, उस बच्चे की माँ को आने देता है। उस बच्चे की माँ जिसको चूँकि बहुत ही आश्वस्त थी कि उसके बच्चे के साथ यहाँ पर कोई हानि नहीं हो रही है, अभी ये सभी उसका इलाज कर रहे हैं, और उसकी माँ नीचे उतर के आती है और बच्चे को जो है वो अपने बाहों में लेती है, अपने आर्म्स में लेती है, और बहुत ही
सोचने लगती है कि आगे भाई मैं क्या करूं इसको और हमले से बचाने के लिए। और इतने में वह लेखक की आंखों में देखती है और वह जो नज़र है, कुछ चंद लम्हों की नज़र, वह लेखक को अभी तक याद है। उस घटना को 55 साल हो चुके हैं लेकिन वह घटना जो है वो अभी तक लेखक को याद है। इस प्रकार से उसने नज़रों ही नज़रों में सिर्फ लेखक को थैंक्स कहा था और वह जंप मार के जो है वह चली गई थी विभिन्न दूसरी दिशा में जिधर से मेल लंगूर गया था। तो ये जो घटना है ना, इसने बहुत ही असर डाला लेखक के जीवन पर, इस छोटी सी घटना ने। तो लेखक सोचने लग जाता है कि भाई ये जो है इंसान और अदर स्पेसीज के बीच में कम्युनिकेशन, ये सिर्फ खाने पे नहीं हो सकता है। यदि एक सही तार छिड़ी जाए तो रिलेशन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं है। जानवर को खाना खिला दिया हमने और उनसे हम रिलेशन बना लेंगे, ऐसी बात नहीं रहती है। एक विश्वास नाम की भी चीज़ रहती है, प्रेम रहता है, आपसी समझ रहती है, यह भी कम्युनिकेशन के एक माध्यम हो सकते हैं। 55 साल उस घटना को बीत चुके हैं लेकिन लेखक जो है वह अभी तक उस माँ की नज़र, जो उसको धन्यवाद करती हुई नज़र थी, वो उसको भूल नहीं पाया है। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से पढ़ें और ये जो बोल्ड लेटर्स हैं उनको आप अच्छे से, उनका मीनिंग अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं और लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।